अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मंजिर वकास और आप देख रहे हैं टेक मास्टर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। कुछ दिन पहले एक दोस्त ने कमेंट किया कि मुझे आप मसालों के कारोबार के बारे में कुछ आइडिया दें कि वो किस तरह से शुरू किया जा सकता है और हम उसे किस तरह से चला सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ रिसर्च के बाद मैंने फिर ये आज वीडियो बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताऊँगा कि आप किस तरह से मसालों का जो कारोबार है वो कर सकते हैं, कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और किस तरह से सेल आउट कर सकते हैं, उसमें कितना प्रॉफिट है। आज मैं आपको दो तीन तरीके बताऊंगा कि आप जिन तरीक़ों से ये मसालों का कारोबार कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस मसालों के कारोबार का आइडिया समझ सकें, जान सकें, तो मेरा ये वीडियो एंड तक देखिए। तो चलें चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी नहीं, जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिलते रहें। जी दोस्तों, जब हम बात करते हैं मसालों की तो हमें यह पता होना चाहिए कि मसालों में क्या क्या चीज़ शामिल है। तो जो नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, इलायची, लौंग, काली मिर्च, इस तरह की जो तमाम चीज़ें होती हैं ये हमारे मसालों में शामिल होती हैं। तो बात करते हैं हम मसालों का कारोबार शुरू कैसे कर सकते हैं। तो कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप अपने इलाके की गल्ला मंडी में चले जाएं। गल्ला मंडी हर शहर में तकरीबन मौजूद होती है। आप वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे आप डिफरेंट जो शॉप्स हैं दो तीन विज़िट कर सकते हैं। तो अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हर चीज़ की आपको क्वालिटीज़ डिफरेंट मिलेंगी। एक सुपर क्वालिटी होगी, उससे हल्की होगी, उससे हल्की होगी, इस तरह दो तीन चार क्वालिटीज़ जो हैं वो हर आइटम में आपको मिलेंगी और उनका इसी तरह रेट में डिफरेंस होगा। तो आपने अच्छी तरह से एक ही शॉप पे जाके परचेजिंग नहीं कर लेनी, दो तीन शॉप्स आपने विज़िट करनी है, फिरनी है, बाज़ार फिर लेना है अच्छे से, जो गल्ला मंडी में है दुकानें जितनी भी, तो जो आपको नहायत ही मुनासिब अच्छा रेट लगे और चीज़ देखने में और अच्छी महसूस हो कि ये एक नंबर चीज़ है और जो बंदा आपको ठीक लगे उससे आपने वो चीज़ परचेज़ कर लेनी है। तो कुछ आप सुपर में चीज़ ख़रीद लें, कुछ उससे हल्की, और इस तरह उन दोनों को मिला लें, मिक्स कर लें, और इस तरह से आप अच्छा प्रॉफिट उससे हासिल कर पाएंगे और उसको मुनासिब रेट में सेल करें। अच्छी चीज़ भी उसमें आ जाएगी और हल्की भी। अगर आप इन दोनों को अलग-अलग करके सेल करना चाहें तो अलग-अलग भी कर सकते हैं। तो ये आपने अपने बजट के हिसाब से देखना है आप कितना ख़रीद रहे हैं। अगर तो आप अपने ही शहर की मंडी से ख़रीद रहे हैं फिर तो आप थोड़ी चीज़ भी ख़रीद सकते हैं। आप डेली के हिसाब से भी ख़रीद सकते हैं। अगर शहर नज़दीक है तो आप 3-4 किलो या 5 किलो तक जो है मिर्चें ले सकते हैं। कुछ नमक तो आप फिर जितना मर्ज़ी ले लें, वो तो बहुत सस्ती चीज़ है। और इसी तरह हल्दी वगैरह होगी, जो भी मसाला जात हैं आप अपने बजट के हिसाब से देख के ख़रीद लें आप कितना ख़रीदना चाहते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले थोड़ा सामान ख़रीदिए और उससे आप का एक तजर्बा हो जाएगा कि आपने कैसे सेल करना है और ये आपका कारोबार चल रहा है या नहीं चल रहा। लाजमी नहीं कि हर जगह पे हर कारोबार चल जाए, तो ये पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ी चीज़ लेके उसे सेल करके देख लीजिए। अगर आपका कारोबार चले तो आप मज़ीद उसमें इजाफा कर सकते हैं। बात हम करते वाले हैं कि आप किस तरह से हमने सेल करना है। इस प्रोडक्ट को ख़रीद तो हमने लिया है, सेल करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहले आपके पास एक ये तरीका है कि आप उसे खुला जो है सेल करें, तोल के, किलो के हिसाब से, पाव के हिसाब से, आधा किलो के हिसाब से। और दूसरा हमारे पास जो तरीका है वो ये है कि आप उसे पैक करके पैकिंग में जो है वो सेल करें। तो बात ये आती है, मसला ये आता है कि अब हम पैकिंग कहाँ से बनवाएं। अगर हम अपनी पैकिंग बनवाते हैं तो वो हमें बहुत ही कॉस्टली पड़ती है और उसके लिए हमें प्रिंटिंग के पैसे अलग से पे करना पड़ते हैं और पैकिंग अलग से ख़रीदना पड़ती है। तो उसके लिए मैं आपको अभी कुछ सजेस्ट करने वाला हूँ। ये मेरे पास कुछ पैकेट्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पैकेट्स हैं, ये आप देख रहे हैं, ये आपने ले लेने हैं। ये आपको तोल के हिसाब से मिल जाएंगे, 250-300 रुपये किलो तक मिल जाएंगे। और ये इस तरह से होते हैं जिस तरह के हमारी साइकिल की कोई मोटरसाइकिल की ट्यूब होती है जिसमें हम हवा भरते हैं। ये आप देख लें, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ जी, कुछ इस तरह से ये लंबी लाइन बनी हुई है
साइडों से पैक बिल्कुल मुकम्मल पैकिंग है, बस इसमें आपने चीज़ डालनी है और उसको बंद कर देना है। बंद किस तरह करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो पैकेट्स हैं ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको किसी भी गला मंडी के आसपास में ही कोई आपको शॉप मिल जाएगी, ऐसी जगहों पे ऐसी शॉप्स होती हैं वहाँ से आपको ये पैकेट मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ये परचेज़ कर सकते हैं। देख रहे हैं आपके सामने है, ये बनी पूरा लिफाफा बना हुआ है और पैकेट्स बने हुए हैं आगे मज़ीद। तो आपने अगर तो आपने पैकिंग में बेचनी है तो सबसे पहले आपने अपना हिसाब लगा लेना है कि आपने एक पैकेट 10 रुपये वाला बनाना है, 20 वाला बनाना है, 50 वाला बनाना है, तो उस हिसाब से आपने जितने भी चीज़ सेल करनी है उसको डिवाइड करके आपने देखना है 10 रुपये में कितनी आपको पड़ती है। आप 10 रुपये में छिटांक देंगे, 100 ग्राम देंगे, जो भी आपका रेट बना हुआ है उस हिसाब से आप तोल के आप इस पैकेट में डाल लेंगे। एक साइड से यहाँ इस साइड से डाल लेंगे और दूसरी साइड आपने 6 लिफाफों का करना है। ये 6 पैकेट बने हुए हैं, ये एक इकट्ठी पूरी डोरी होती है और बंडल सा बना होता है, उसमें काफ़ी सारे होते हैं, तोल के हिसाब से आपको मिलते हैं। तो आपने कुछ बड़ी मशीनरी की आपको ज़रूरत नहीं है पैकिंग के लिए, आपने किसी भी बुक सेंटर से पता कर लेना है, आपको एक सीलर मिल जाएगा, आपने उसे कहना है कि हमें सीलर दे दें। सीलर जो है वो स्टेपलर की तरह का होता है, ऐसा डबल बना हुआ, उसमें आप इसको लगा के ऊपर से इसको सील कर देते हैं, बिजली पे वो चलता है। 1,000 रुपये से लेके 1,500 रुपये तक की रेंज में आपको सीलर मिल जाएंगे। डिफरेंट कंपनीज़ के होते हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ के होते हैं, तो आप 1,000 रुपये से 1,500 रुपये तक ले सकते हैं। आप इस साइड को उसके अंदर रखेंगे और ऊपर से उसको बंद कर देंगे, बिल्कुल जिस तरह हम स्टेपलर को बंद करते हैं। आप इसमें डाल के फिर ऊपर से दूसरे लिफाफे को बंद कर दें, फिर ऊपर से उसमें डाल लें और इसी तरह इसको बंद करते जाएँ। तो ये अब अगर पैकिंग में करेंगे तो ये मज़ीद बेहतरीन और ख़ूबसूरत लगेगा। अब सेल करने का इसका क्या तरीकाकार हो सकता है? एक तरीका तो इसका ये हो सकता है कि आप अपनी कोई आपकी शॉप है ऑलरेडी अगर बनी हुई तो बेहतर है। सिर्फ मिसालों के लिए अगर आप नई शॉप बनाना चाहते हैं, मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप बहुत बड़े लेवल पर कारोबार करना चाहते हैं सिर्फ मिसालों का, तो आप ज़रूर शॉप अपनी बनाइए। लेकिन अगर आपकी पहले शॉप है तो वेल एंड गुड है, आप उसमें इसको रख के सेल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो दूसरा तरीका है, मेथड है, मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप इसको एज ए सेल्समैन जो है इसको बेचें, अपनी बाइक पे इसको रखें और डिफरेंट शॉप्स पे जाएं, अपने शहर में, अपने गांव में, साथ वाले गांव में, इधर उधर जो भी है, शॉप्स पे जाके इसको आप सेल आउट कर सकते हैं मुनासिब रेट में। आप सेल कीजिए अपना, आपने सारे पैसे इसमें ऐड करने हैं, अपने प्रोडक्ट के पैसे ऐड करने हैं, इस लिफाफे के ऐड करने हैं, आपकी बिजली यूज़ हो रही है, आपने जो अपना प्रॉफिट निकालना है वो सब कुछ आपने ऐड करके फाइनली इसका जो है वो रेट फाइनल करना है, उस हिसाब से आपने अपनी प्रोडक्ट इसमें डालनी है। और आपने जब बेचनी है तो अगर आप शॉपकीपर या जो भी दुकानदार है उसको सेल करते हैं तो आपने उसको उसका मार्जिन भी देना है, तो इस हिसाब से आपने इसमें अपनी प्रोडक्ट डालनी है और इसे आप जाके शॉप्स पे डिफरेंट पे सेल कर सकते हैं, लोगों के बाज़ारों में जाके आवाज़ लगा के घरों में सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना ये कारोबार चला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए। कुछ क्यूरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप जिस टॉपिक पे चाहते हैं उस टॉपिक के आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि इस टॉपिक पे आप काइंडली वीडियो बना दें। इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि जल्द अज़ जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन प्लस में क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिलती रहें। दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।